आपका कल होलसेल मार्केट कवर करने के बाद अभी हम लोग मेन जो होलसेल मार्केट है उस तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे 143, 144 ऐसा सब लगा हुआ है। गोकुल का मेमोरी चिप खत्म हो गया था, अभी नया मेमोरी चिप डाला हो। सेकेंड स्टेज की तरफ आ चुके हैं जो कि 10, वहां से आपको बहुत सारे गली मिलेंगे। जैज लाइक हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। अभी हम कल्चरल पार्क के पास लिवान डिस्ट्रिक्ट में शिष्यांग करके जो होलसेल मार्केट है वहीं पर है। यहाँ पे गर्ल्स होलसेल मार्केट कवर करने के बाद अभी हम लोग मेन जो होलसेल मार्केट है उस तरफ जा रहे हैं। वो आपका जो गर्ल जो मतलब वुमेन्स जो होलसेल मार्केट है 13 सेंटर मार्केट, उसका सामने से जो गली जा रहा है तो गली से हम लोग जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारा गली है, कोई भी गली आप ले सकते हो। तो हर गली में बहुत सारे दुकान मिलेंगे जो कि वुमेन्स एंड मेन्स गारमेंट्स का है। तो अभी चलिए गली से हम लोग मेन्स गारमेंट्स की तरफ चलते हैं। यहाँ से ही शुरू हो गया, ये आप देख सकते हैं। ये लोग रिटेल होलसेल दोनों में ही डील करते हैं। तो हम लोग थोड़ा आगे की तरफ जाते हैं, जाके देखते हैं। यहाँ पे 143, 144 ऐसा सब लगा हुआ है, आप जो भी चाहे ले सकते हैं। 142 जिस तरीके का आप लेंगे उस हिसाब से लगाया हुआ है। फ्रेंड्स, अभी हम जो मेंस गारमेंट्स का जो मार्केट है वहाँ आ चुके हैं। यहाँ पे आपको ज़्यादातर मिलेगा इंडिविजुअल अपना अपना शोरूम, और यहाँ एक तरफ कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है तो उस तरफ हम तो नहीं जाएंगे। वहाँ बहुत सारा बालू मिट्टी वगैरह भरा हुआ है। अभी जो अनदर साइड है, ये फर्स्ट स्ट्रीट है, सेकेंड स्ट्रीट, थर्ड स्ट्रीट, ऐसा करके मार्केट तो बहुत बड़ा मार्केट है। पहले सामने जो इंडिविजुअल स्टोर आ रहा है ये सब आपको दिखा देते हैं। थोड़ा बहुत दिखाने के बाद हम लोग सेकंड स्ट्रीट की तरफ चलते हैं। इधर ये मार्केट बना हुआ है, मार्केट के भीतर भी आपको एक वॉकिंग टूर दे देते हैं। यहाँ आपका ज्यादातर टी शर्ट्स एंड आपका जो आपका बरमुंडा वगैरह जो होता है, जो थ्री क्वार्टर्स और आपका जोगर्स टाइप का ये सब मिलेंगे ज्यादातर। ये पूरा एकदम लाइन से मार्केट टाइप का बना हुआ है। यहाँ पे छोटा छोटा स्टॉल्स वगैरह है, स्टॉल ये लोग लगाते हैं एकदम इधर से उधर तक। तो दिखाते हैं आंटी जी, लेकिन अभी हमको अपना प्रोडक्ट दिखा रहे हैं ना आंटी जी। अभी इस तरफ हमको नहीं जाना, उस तरफ से हम अभी एडजस्ट आए थे, उस तरफ का आउट है, अभी उस तरफ हम चलेंगे। इधर से ही तो हम आए थे, अभी दूसरा गली से चलते हैं। ये एकदम सुबह सुबह खुलते हैं, सुबह सुबह हम लोग तो आए हैं अभी जस्ट 10:30 बजे, तो बहुत सारा दुकानें बंद हो गए हैं। ये एकदम भोर से खुलते हैं। ये देखिए 80 का एक, 150 का दो, ऐसा सब लगा हुआ है, बहुत ही डिजाइनर पैंट्स वगैरह है। अभी जस्ट गोकुल का मेमोरी चिप खत्म हो गया था, अभी नया मेमोरी चिप डाला हूँ। ये देखिए यहाँ पे अनस्टिच वगैरह का 100 में 3, 100 में 3, 100 में 4, 100 में 2, जिसको जिस हिसाब से प्रमोशन करना है वो कर रहा है। रिटेल में, होलसेल में तो रेट बहुत ही कम और निगोशिएबल भी होता है, आप अपने हिसाब से निगोशिएट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के वजह से मैं वो साइड में ज़्यादा नहीं जा पा रहा हूँ। वो साइड में भी बहुत ही बढ़िया बढ़िया स्टोर है, क्योंकि मैं पहले भी वहाँ से भी ले चुके हूँ। अभी हम सेकेंड स्ट्रीट जाएंगे, वहाँ से जाकर देखेंगे क्या क्या। फ्रेंड्स, अभी हम सेकेंड स्ट्रीट की तरफ आ चुके हैं जो कि 10, वहाँ से आपको बहुत सारे गली मिलेंगे। जैज लाइक जैसे हम वुमेन गारमेंट से आए थे उसी साइज का मिलेंगे। जब सेकेंड स्ट्रीट की तरफ जा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे भी बहुत सारा दुकानें लगे हुए हैं। और यहाँ पे अभी टी शर्ट मैं ढूंढ रहा हूँ शॉर्ट शोल्डर, लेकिन यहाँ पे अभी डॉप शोल्डर का ट्रेंड चला हुआ है, तो शॉर्ट शोल्डर
मिलना मुश्किल ही है, ये सारे दुकानें ये आपका 98 का तो क्वालिटी भी अच्छा है, लेकिन सारे ड्रॉप शोल्डर। यहाँ सारे दुकान में आपको 100 का 2, 100 का 3, 100 का कोई भी 4 भी दे रहे हैं, अपना अपना क्वालिटी के ऊपर ये डिपेंड करते हैं। ज्यादातर आपको 100 का 3 ही मिलेंगे। ये सामने आपको मेन होलसेल मार्केट में ज्यादातर आपको इंडिविजुअली दुकान मिलेंगे, जो कि रास्ते का दोनों तरफ फर्स्ट स्ट्रीट, सेकेंड स्ट्रीट, थर्ड स्ट्रीट, ऐसा करके बहुत सारे स्ट्रीट है, तो आप जहाँ पे चाहो ले सकते हो। यहाँ पे जो फैशन होता है ना, थोड़ा अपग्रेड फैशन होता है, जो कि अभी आज के डेट में अपग्रेड फैशन जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में चले हुए हैं, थोड़ा वेस्टर्न कल्चर को लोग फॉलो भी करते हैं। ये लोग का कस्टमर यूरोप, अमेरिका से लेके पूरा दुनिया में है ना। तो अभी मैं जो टी शर्ट ढूंढ रहा था आपका शॉर्ट शोल्डर, जो कि अपना इंडिया में शॉर्ट शोल्डर ज़्यादा चलता है, ड्रॉप शोल्डर भी चलता है, यंग स्टाइल लोग पहनते हैं, लेकिन यहाँ लगभग हर दुकान में आपका ड्रॉप शोल्डर ही ज़्यादा है। यहाँ पे सारे दुकान पे एक ही टाइप का राउंड नेक में बहुत सारा वैरायटी है, तो अगर आप बल्क में लेना चाहो तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है यहाँ। और अगर आप गंजा घूमने आते हो रिटेल में, अपना फैमिली के लिए कुछ लेना वगैरह है, तो उसके लिए भी आप एकदम बेझिझक यहाँ चला आओ। आपका बच्चे लोग के लिए कुछ लेना है, भाई लोग के लिए, सबके लिए यहाँ आपको, मतलब जो बड़े हैं टीनेजर है वो लोग के लिए है, बच्चे एकदम छोटा बच्चे के लोग के लिए यहाँ नहीं है, उसके लिए दूसरा मार्केट है, तो वहाँ भी हम चलेंगे। अभी हम पहले इसको कवर कर लेते हैं, लेकिन जो छोटा बच्चे लोग का है वो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे थोड़ा दूर है, तो हम लास्ट में देखिएगा हमारा वो ब्लॉग है वो किड्स गारमेंट होलसेल मार्केट करके, वही मार्केट को हम लोग इस बार रिपीट करेंगे। बहुत सारा भाई बहुत सारा कॉमेंट्स में लिखे हैं कि लास्ट टाइम तो मेरा फर्स्ट फर्स्ट था, तब उतना ब्लॉगिंग का आइडिया भी नहीं था, वही सब अपने हिसाब से थोड़ा बहुत किया थे, तो जो अल्टरेशन वगैरह है इस बार उसको पूरा करने का कोशिश करेंगे। आज गर्मी भी बहुत है। यहाँ पे मैं ज्यादातर दुकान में क्यों नहीं घुस रहा हूँ, ये लोग का अपना डिजाइन के वजह से कुछ सीक्रेसी भी है, तो हर दुकान तो अलाउ नहीं करता है, जो अलाउ करता है थोड़ा बहुत उसका मैं वीडियो बनाने का कोशिश करता हूँ, लेकिन ज्यादातर दुकान अलाउ नहीं करता है, अपना अपना बिजनेस पॉलिसी वगैरह है, तो वहाँ कुछ बोल के फायदा नहीं है। ये आगे दूर तक आपको सब मेन्स गारमेंट्स का ही पूरा इंडिविजुअल दुकान वगैरह है, हर जगह कोई यहाँ पे मेंस गारमेंट्स ही मिलेंगे और कुछ नहीं। तो हमने फर्स्ट स्ट्रीट, सेकेंड स्ट्रीट, दो स्ट्रीट कवर किया, आपको सेकेंड स्ट्रीट का ही पूरा मैं जाऊँगा, आगे तरफ नहीं जाऊँगा। कई यहाँ पे चाइना में टी शर्ट, शर्ट और जीन्स और आपका जोगर्स, यही सब इसका डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी है, आपको जिस हिसाब से चाहे आप ले सकते हैं। ये देखिए जैसे ये बाहर में जीन्स लगा के रखा है, ये जीन्स देखिए, मरमुंडाज भी है, जिसका वॉशिंग क्वालिटी बहुत बढ़िया है, ये 150 में दो, 80 का एक, 150 का दो, ये स्लीवलेस जैकेट वगैरह, हाँ शूज भी मिल रहे हैं जो कि बहुत ही डिजाइनर टाइप का शूज। ये छोटा सा एक मार्केट तरह का है, पहले इसके अंदर भी जाया जाए, लेकिन यहाँ भी बहुत सारा दुकानें बंद हो चुके हैं। यहाँ साइड पे और एक मार्केट टाइप का बना हुआ है, मार्केट में छोटा छोटा दुकान टाइप का बना हुआ है, लेकिन होलसेल का ही काम है। जैसे हम लोग का उधर एक बड़ा मार्केट में छोटा छोटे स्टॉल वगैरह लेके रखते हैं, जहाँ सैम्पलिंग के लिए, और फिर ऑर्डर लेके माल मंगवा के देते हैं, ये सेम है यहाँ। यहाँ देखिए जीन्स का कलेक्शन,
यहाँ का जो जीन्स पैंट वगैरह होता है उसका वॉशिंग का क्वालिटी बहुत ही लाजवाब होता है, बहुत ही लाजवाब। ये जैसे डी एन जी हाउ मच दिस वन वन पीस यहाँ पे स्टॉक और यहाँ पे ये होलसेल में ही डील करते हैं। यहाँ पे रकौला जैसा मैंने पहले आपको बताया, यहाँ पे लोग स्टॉक नहीं रखते हैं। ये देखिए ये जो मार्केट है यहाँ पे मुझे बहुत सारा गारमेंट पसंद आया, लेकिन ये लोग का जो काम है मेनली होलसेल का है, लोग रिटेल में तो नहीं करते हैं। यहाँ पे आपको टी शर्ट दिखाते हैं, देते हैं, ये 45-40 का है, लेकिन बहुत ही क्वालिटी वाइज बहुत ही बढ़िया लगा मुझे, लेकिन ये लोग रिटेल में नहीं देते हैं। आप एक देख लीजिए, ये इनका है, हाँ बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है, हैंड स्टिच में जो भी अभी चला हुआ है, तो 40-45-50 है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं तो ये लोग रेट भी उसका लगा देता है उन हिसाब से, तो इसका इसीलिए रेट बोलने का फ़ायदा नहीं है। अगर आप होलसेल में काम करते हो तो आपको क्वालिटी आपका क्वांटिटी के ऊपर इसका रेट डिपेंड करेगा। ये लोग का मिनिमम क्वांटिटी है आपका 12 पीस आपको मिनिमम देना है। अगर उससे आप ज़्यादा लेते हैं तो उसका रेट लोग अलग से लगाते हैं। ये भी एक सेम एज लाइक जैसे हम लोग आगे घुसे थे वही टाइप का मार्केट है, जो कि छोटा छोटा स्टॉल वगैरह लगा हुआ है। ये सामने से आपको दिखाते हैं, ये मार्केट का नाम चाइनीज में है। यहाँ पे ऐसा बहुत सारा छोटा छोटा स्टॉल का मार्केट है जहाँ पे लोग जस्ट सैंपल लेके बैठते हैं और ओनली होलसेल में ही डील करते हैं। और जो इंडिविजुअल स्टोर्स जैसे हम रोड के ऊपर देख पा रहे हैं, ये लोग आपका होलसेल भी करते हैं और रिटेल का भी थोड़ा प्राइस ज़्यादा लेके दे देते हैं। और अभी ये लोग का सेल का टाइम चला हुआ है, जो कि थोड़ा सा ओल्ड स्टॉक है अपना हिसाब से। हम लोग का उधर का तो ओल्ड स्टॉक है, ये लोग का ओल्ड स्टॉक टाइप का है, 100 का 3, 100 का 4, जैसे मैंने बहुत सारे दुकान में देखा ये यहाँ पर लगा हुआ है। ये देखिए 100 का 3, ये आपका जींस का लगा के रखा है, वो आपका बरमुंडा जो शॉर्ट्स है वो 60 का 1, 100 का 2 और जींस 80 का 1, 150 का। यहाँ पे बहुत सारा बहुत बहुत दुकानें हैं और गली का अंदर हर गली में आपको दुकान मिलेंगे। तो अगर आप यहाँ पे आओ, मेरा आपको रिकमेंडेशन नहीं है, तो थोड़ा सा टाइम लेके आओ और सुबह सुबह आओ, जितना अर्ली मॉर्निंग आ सको। ये मार्केट जो है सुबह को 6 बजे खुल जाते हैं पूरा, और कुछ दुकानें तो जैसे स्टॉल टाइप का जो दुकान है वो तो दोपहर तक ही बंद हो जाते हैं, दोपहर का 10-11 बजे तक बंद हो जाते हैं। और जो इंडिविजुअल दुकानें हैं कुछ तो दोपहर तक बंद होते हैं और कुछ आपका टिल 5 o'clock तक खुले रहते हैं, लेकिन 5 o'clock के बाद ये मार्केट टोटली शट डाउन हो जाता है। ये देखिए 100 में 3 हमने लगा हुआ है, इसी टाइप का लगभग हर जगह में 100 में 3, 100 में 4 आप ले सकते हैं। अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम भी बहुत हैवी चला हुआ है, वो फर्स्ट स्ट्रीट में भी था, सेकंड स्ट्रीट में भी है, तो गली का अंदर भी है, तो कंस्ट्रक्शन के वजह से थोड़ा बहुत आवाज़ें आ रहे हैं, तो और वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है। ये जैसे शर्ट्स लगे हुए हैं जो कि अच्छे लगे हुए हैं, शर्ट्स लगे हुए हैं आपका 100 में 3। फ्रेंड्स आपको जो बोला था छोटा छोटा स्टॉल वगैरह इसी टाइप का है, अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ काम वगैरह चल रहा होगा। ये देखिए रोड का वो साइड, जैसे हम लोग उस तरफ गए थे यहाँ से भी रोड क्रॉस करके जाएंगे तो सब लगभग वही टाइप का मिलेगा। ये देखिए उस तरफ जो जा रहा है उधर भी आपको सब मेंस गारमेंट्स का ही मिलेगा। ये बहुत ही बड़ा मार्केट है और एरिया भी बहुत लंबा कवर करता है, तो अगर आपको रिटेल में दो चार चीज लेना है, घूमना है, थोड़ा बहुत देखना है, तो थोड़ा बहुत एरिया एक्सप्लोर करोगे तो चल जाएगा। लेकिन आपको अगर यहाँ पे कुछ बिजनेस के प्लान से आप आते हो, आपको कुछ बड़ा परचेस करना है, तो आपको थोड़ा टाइम देके घूमना पड़ेगा। कहीं आप जितना ज़्यादा घूमोगे आपको उतना पता चलेगा कि क्या रेट है नहीं है, लेकिन
जितना मैं अपना एक्सपीरियंस से बताता हूँ, चाइना में एक चीज क्या है, आप एक मार्केट में जाओ सिमिलर टाइप का प्रोडक्ट का, लगभग हर जगह ये लोग का रेट ज्यादा अप्स एंड डाउन नहीं होता है, सिमिलर टाइप ही रहता है, ये मेरा एक्सपीरियंस से बताता हूँ। लेकिन आप जितना घूमिएगा आपको उतना नॉलेज भी बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स, अभी हम आज का मेन्स होलसेल मार्केट का जो ब्लॉग है यहीं पे खत्म करते हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक, और अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर इस जगह का बारे में कुछ डिटेल्स में आपको जानना है तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं जरूर कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करने का। तो अभी फिलहाल हम मंजौर सिटी में अभी भी है, और भी नया नया मार्केट वगैरह हम लोग जाएंगे। तब तक के लिए शिशियांग करके ऐसा कुछ इसका नाम है, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है, जो कि लिवान डिस्ट्रिक्ट में, और आपको सबसे बड़ा लैंडमार्क बता देता हूँ, कल्चरल पार्क का एकदम साथ में ही है। तो तब अभी हम अपना जो ब्लॉग है ये खत्म करते हैं, तब तक के लिए। हाँ।